अब देखते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी कुछ खबरें। केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के सभी जिलों में निकाली जा रही है। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के पेंड्रा गांव और सुकली गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से ग्रामीणों को शिविर लगाकर केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यहाँ आने वाले हितग्राहियों ने बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं से उन्हें फायदा हुआ है। शासन की योजना अंतर्गत विकसित भारत योजना का शिविर यहाँ कैंप लगा हुआ है, जिसमें सभी विभाग का इंस्टॉल लगा हुआ है, जिसमें आयुष्मान कार्ड, गैस, स्वास्थ्य विभाग, उद्यानिकी, पशु विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत विभाग, सभी का कैंप लगा हुआ है, जिसमें आज उज्ज्वला गैस कनेक्शन के तहत 15 जने को आज सरपंच महोदय द्वारा 15 टो गैस सिलेंडर का 15 हितग्राहियों को वितरित किया गया है। मतलब पहले से चूल गोबर से लकड़ी जलाना पड़ता था, अब प्रधानमंत्री द्वारा मुझको गैस मिल गया है, इसमें अब अच्छा से खाना बना पा। प्रधानमंत्री योजना से हमारे गांव में पिंडरी में योजना रखे गए हैं और कर अगर कार्यक्रम वाला मन अपन अपन विभाग से आए हैं। जिले के सुकली गांव में स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। वहीं स्कूली छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। पहले हमारे लकड़ी कंडा से आग जलाते रहे, जब हमारा बहुत परेशानी हुआ, जब मोदी जी हमला गैस सिलेंडर दिए हैं, जब से हम बहुत सुविधा से खाना उना बना सकथन, खेत खलिहान जो भी जाथन आथन तो हम खाना बनाथन, हम लोग कोई परेशानी नहीं हुआ। मैं हर पहले घपरा के घर में रहत रहे हाँ, और चूहाए पहाए तो छोटे छोटे लड़का मन ला लेके मैं ओती ओती होवात रहे हाँ, तो मोला मोदी जी हा पक्का के घर दे दे हवा, तो मैं अब सुखी जीवन बितावत हूँ। इसी तरह धमतरी जिले के ग्राम पंचायत पोटियाडीह में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की गाड़ी के माध्यम से योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। हितग्राहियों ने बताया कि केंद्र सरकार की मातृ वंदन योजना, उज्ज्वला गैस योजना, प्रधानमंत्री आवास और आयुष्मान भारत योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। जब मेरे घर में मेरी बेटी पैदा हुई तब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दीदी ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाना है, तब मैं यहाँ पोस्ट ऑफिस में जाकर सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाई। उसमें 14 वर्ष तक प्रतिवर्ष 1,000 रुपये जमा करना है, वो 18 साल बाद 4 गुना होकर बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए मिलता है। मेरे पास कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ है और सोसाइटी से मैं कृषि लोन लेता हूँ। पहले दिक्कत होता था कि खेती कैसे करें, अब जब से मैं सोसाइटी से लोन लेना शुरू किया हूँ बिना ब्याज का लोन, तो खेती करने में सुविधा होती है और साहूकारों के पास भटकना नहीं पड़ता और अब अच्छे से खेती कर सकते हैं। वही कांकेर जिला मुख्यालय के ग्राम पंचायत कढ़ाई खोतरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत शिविर लगाकर ग्रामीण को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में आने वाले लोगों ने विभिन्न योजनाओं से मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी दी। हम राजस्व विभाग से जो आय जाति बनाए के शिविर लगे रही से, उमा मैडम हाँ हर गांव में शिविर लगे रही से, गांव गांव जाके जाति आय बनाए के जुड़ी से वो बनी। सरकार जो काम पहले जो हमने जाति बनाए महीना भर घूमत रहे हैं, कभी ब्लॉक में कभी जिला में, तो जो काम 15 दिन में हमारे मैडम घर से गांव से ही बना के करथन, और ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हमला लोन मिलते, जे में लोन बैंक से लोन लेके बकरी पालन सुअर पालन करके छोटे छोटे अपन घर खर्च चलाए बर थोड़े बहुत पैसा जुगाड़ कर ले।
शिविर में स्कूली बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज रायपुर।